हेलो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी है दूधी का ढोकला। ये ढोकला बहुत झटपट बनता है और उसके साथ साथ सॉफ्ट और स्पॉन्जी भी। जो लोग दूधी यानी लौकी खाना पसंद नहीं करते हैं, उनके लिए तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है दूधी खाने का। पर रेसिपी स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रेसिपी को लाइक कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। सबसे पहले हम एक दूधी लेंगे, उसको पीसीस में कट करेंगे और एक कप का मेजरमेंट लेंगे। दूधी के छिलके को हमें निकाल कर ही उसके पीसीस करने हैं। यहाँ पर मैंने मेजरिंग कप यूज किया है। आप चाहे तो आपके घर में कोई भी कटोरी हो, उसी से आप सब इंग्रेडिएंट्स मेजर कर सकते हैं। दूधी के पीसीस को हम मिक्सर जार में डालेंगे। उसके बाद हम एक कप सूजी डालेंगे, थोड़ी सी हरी मिर्च, एक इंच अदरक का टुकड़ा और थोड़ा सा कटा हुआ धनिया। इसके बाद हम एक चौथाई कप प्लस 2 टेबलस्पून दही डालेंगे। दही डालने के बाद अब हम इसमें 1 TSP सॉल्ट ऐड करेंगे और 1/2 TSP चीनी। अब हम 2 से 3 टेबलस्पून पानी ऐड करेंगे। ज़्यादा पानी मत डालिएगा फ्रेंड्स, नहीं तो ये बैटर बहुत ही पतला बन जाएगा। अब हम इसे मिक्सर में इन सारी चीज़ों को ग्राइंड कर लेंगे। अब हमारा ढोकला बनाने का बैटर ऑलमोस्ट रेडी है। अब हम इसे बाउल में निकाल लेते हैं। बैटर को बाउल में निकालने के बाद अब हम इसमें 1 TSP इनो ऐड करेंगे। आप चाहे तो 1 TSP बेकिंग सोडा भी ऐड कर सकते हैं, पर इनो डालने से ढोकले का टेस्ट बहुत ही मस्त आता है और ढोकला भी एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनता है। अब इस बैटर को और इनो को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बैटर को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब मैंने एक स्टील की प्लेट को ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब हम इस बैटर को इस स्टील की प्लेट में डाल देंगे, क्योंकि अब हमें इस ढोकले को स्टीमर में स्टीम करने के लिए रखना है। मैंने यहाँ पे बैटर को 2 प्लेट्स में डाल दिया है। अब हम ऊपर से थोड़ी सी रेड चिली पाउडर भी डालेंगे। अब हम इस ढोकले के बैटर को स्टीमर में स्टीम करने के लिए रख देंगे 15 to 20 मिनट्स के लिए। याद रखिएगा फ्रेंड्स कि हमें यहाँ पर गैस की फ्लेम को लो ही रखनी है। तो अब ये ढोकला स्टीम करके रेडी है। मेरी गैस की फ्लेम के हिसाब से मुझे ये ढोकला बनाने के लिए 15 मिनट लगे। आपकी गैस की फ्लेम के ऊपर डिपेंड है कि आपको 15 से 20 मिनट भी लग सकते हैं। अब ढोकला रेडी है। अब हम उसके ऊपर के तड़के की तैयारी करते हैं। एक पैन में हम थोड़ा तेल लेंगे। तेल गर्म हो जाने के बाद हम उसमें राई यानी के मस्टर्ड सीड्स, थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा कड़ी पत्ता और इन सारी चीज़ों का अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद 2 चम्मच हम तिल डालेंगे। तिल डालने के बाद हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे, नहीं तो ये तिल जल जाएंगे। हमने जो ढोकला बनाया है उसके ऊपर अब हम इस गरम गरम तड़के को डाल देंगे। आप चाहे तो ऊपर से और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया भी डाल सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब ये ढोकला रेडी है। अब हम इसके पीसेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये ढोकला बिल्कुल भी नीचे प्लेट को चिपका नहीं है और एकदम इजीली निकल आया है। इस ढोकले का जो टेक्सचर है ना, वो भी एकदम परफेक्ट आया है। कोई बता सकता है कि ये दूधी से बने हुए ढोकले हैं? और इस ढोकले के अंदर जो जाली बनी है वो भी कितनी अच्छी तरह से और क्लियरली दिखाई दे रही है। तो कैसे लगी फ्रेंड्स आपको ये इजी, टेस्टी और हेल्दी रेसिपी? इस ढोकले को आप केचप या फिर कोई भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरी रेसिपी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना ना भूले। और फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन, बाय बाय एंड थैंक यू।